नमस्कार, आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जी हां, हिसार जिले के अंदर आने वाली विधानसभा सीटें उकलाना, बरवाला, नारनौंद, नलवा, आदमपुर, हिसार, हांसी, इनमें से कुछ सीटों पर भाजपा और कांग्रेस का सीटों का हेरफेर करना है, यानी ऐसे उम्मीदवारों को उतारना नुकसानदायक है, जिसके कारण इन सीटें भाजपा के लिए पहले से ही हार सुनिश्चित हो चुकी है। और ऐसे में कांग्रेस ने भी कुछ गलत सीटें उतारी है, यानी वहां से कांग्रेस की हार आप पहले से सुनिश्चित मान सकते हैं। मैं आज आपको ऐसी सीटों के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले रणवीर गंगवा, चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी एक बड़ा हार का कारण बनेंगे भाजपा का, क्योंकि उन्होंने सिफारिश करके रणधीर पनिहार को नलवा की जो सीट दिलवाई है, जिसके बाद नलवा से वैसे भी कमजोर स्थिति थी रणवीर गंगवा की अनिल मान के सामने, लेकिन इन्हें बरवाला से उतारा गया। अब बरवाला में हो क्या रहा है? बरवाला में एक तो भाजपा की टीम इनका साथ नहीं दे रही है, कह रही है कि बाहरी उम्मीदवार है। सही बात है, बाहरी उम्मीदवार को कोई पसंद नहीं करता, हार का सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, इन्हें भीड़ जुटाने के लिए नलवा से अपने वर्करों को बुलाना पड़ रहा है, नलवा से जनता को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि नलवा के रहने वाले हैं। और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये विधायक बन गए तो क्या इन्हें काम करवाने के लिए नलवा जाना पड़ेगा। दूसरा बड़ा, यहाँ से कांग्रेस ने रामनिवास घोड़दा को इनके सामने उतार दिया है। जी हाँ, घोड़दा इनके सामने आ चुके हैं और ये देख सकते हैं, रामनिवास घोड़दा इनके सामने आ चुके हैं। तो एक बड़ा OBC वोट बैंक दो भागों में यहाँ पर बट रहा है। और ऐसे में तीसरे उम्मीदवार संजना सातरोड, जिन्होंने निर्दलीय नामकरण भरा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कांग्रेस के BJP के एक जाट वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करेगी, जिसका नुकसान भाजपा और कांग्रेस दोनों को है। तो ऐसे में यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से बाहरी उम्मीदवार करके लोग गंगवा का विरोध कर रहे हैं, तो भाजपा से गंगवा यहाँ से हार रहे हैं और उसका सीधा का सीधा फायदा या तो कांग्रेस को मिलेगा या संजना सातरोड को मिलेगा। ज़्यादा चांसेज कांग्रेस को लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक OBC वोट बैंक नाराज है भाजपा से भारी उम्मीदवार की वजह से, सॉरी मैंने आपको कहा था कि निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, INLD से नामकरण इन्होंने भरा है। तो यहाँ से संजना सातरोड ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक अच्छा खासा वोट बैंक बटोर सकती है, क्योंकि भाजपा से जो नाराज वोटर हैं वो कुछ डाइवर्ट होकर संजना सातरोड यानी INLD पार्टी में संजना सातरोड के जा सकते हैं। वैसे INLD का पूरे हरियाणा के अंदर दो सीटें मैं मानता हूँ जो निकाल सकती है INLD पार्टी, एक एलनाबाद की सीट और दूसरी रानिया पर थोड़ा बहुत चांस मान रहे हैं, क्योंकि रणजीत चौटाला से वहाँ से लोग नाराज हैं, तो वहीं दो सीटों पर ज़्यादा चांस मान रहे हैं। चलिए सिरसा हल्के की सीट की बाद में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने टिकट यहाँ पर गलती की है। दूसरी टिकट नलवा से रणधीर पनिहार को देकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है। इनके सामने अनिल मान है, इनके सामने बिल्कुल रणधीर पनिहार टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दो बार ये चुनाव लड़ चुके हैं, एक धब्बा इन पर लग चुका है कि हारे हुए कैंडिडेट को भाजपा ने टिकट दिया है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ से संपत सिंह जो कांग्रेस को नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन अनिल माल इतने मजबूत कैंडिडेट हैं नलवा से, उनके सामने INLD और JHP ने भी दो उम्मीदवारों को उतारा है, ज़्यादा वोट बुक नहीं बटोर पाएंगे। और ऐसे में नलवा हल्के से अनिल मान को टिकट देकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा गेम खेला है, यानी एक जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देकर रणधीर पनिहार को फिर से कमज़ोर कर दिया। जी हाँ, भाजपा के कमज़ोर कैंडिडेट तो थे ही रणधीर पनिहार, लेकिन उनके सामने अनिल मान का आना एक अपने आप में कांग्रेस पार्टी को जीत के करीब ले जा रहा है। अब बात करते हैं और कौन सी सीट है। रामनिवास राणा, कुलदीप बिश्नोई के कहने पर रामनिवास राणा हिसार से हैं। रामनिवास राणा को भी कांग्रेस पार्टी ने गलत टिकट दिया है। BJP हिसार से जिस प्रकार से कमल गुप्ता को टिकट दी गई है, सावित्री जिंदल की टिकट काटी गई है, उससे कमल गुप्ता साफ साफ चुनाव से पहले ही हार चुके हैं। यहाँ से एक गलत टिकट वितरण भाजपा का हिसार के अंदर देखने को मिला, भाजपा ने कांग्रेस ने भी गलत टिकट वितरण किया है। बताऊंगा दुड़ाराम की टिकट फरीदाबाद से सर्वे के अंदर अच्छी रिपोर्ट नहीं कटने वाली थी, लेकिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई के प्रेशर की वजह से टिकट मिला और यही हार का कारण बनेगा फतेहाबाद, क्योंकि इनके सामने बलवान सिंह दौलतपुरी एक मजबूत कैंडिडेट है और जो भी है हलोपा भी अपना उम्मीदवार उतारने वाली है, जिसका साफ साफ नुकसान भाजपा को ही होगा। वहीं पर आगे चलते हैं,
अनिल मान के बारे में तो बता ही चुका हूँ, प्रबल मजबूत दावेदार हैं, और रणधीर परिहार चौधरी भजनलाल जी के साथ नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय से चौधरी भजनलाल जी परिवार से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं आदमपुर, जहाँ से आदमपुर के अंदर भी नलवा वाला हाल है। ये गलती नलवा के अंदर तो भाजपा ने की, आदमपुर के अंदर कांग्रेस ने कर दी। एक बाहरी उम्मीदवार हल्के से लाकर चंद्र प्रकाश को टिकट दे दी, वो भी भव्य बिश्नोई के सामने, जो इतने मजबूत भाजपा के दावेदार हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा नुकसान तो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जो ओबीसी फैक्टर कांग्रेस खेलना चाहती है आदमपुर के अंदर, जो ओबीसी के वोट बैंक बटोरना चाहती है, चंद्र प्रकाश एक ओबीसी उम्मीदवार हैं, उसको देखकर ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत वोट बैंक बटोरने में वो कामयाब रहेंगे, ओबीसी और एससी में सेंध लगाकर 15,000 के आसपास वोट बैंक वो बटोर लेंगे, क्योंकि एससी और ओबीसी की अगर वोट बैंक की बात की जाए तो आदमपुर के अंदर एक अच्छा खासा वोट बैंक है, लगभग 50,000 के आसपास एससी और ओबीसी का वोट बैंक आदमपुर के अंदर है, जिसमें से पोल जितने होंगे वो कह नहीं सकते, उसमें से 15,000 से 20,000 वोटों पर सेंध लगा सकते हैं। अब जाट वोट बैंक आदमपुर के अंदर 60,000 के आसपास पोल होते हैं, अगर उसमें से चंद्र प्रकाश अच्छी सेंध लगा पाएँ, अच्छा वोट बैंक बटोर पाएँ, तो चंद्र प्रकाश कड़ी टक्कर दे सकते हैं भव्य बिश्नोई को। लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत अपने उम्मीदवार को पाकर, जाट वोट बैंक सबसे ज़्यादा है आदमपुर में अंदर, लेकिन जाट उम्मीदवार नहीं उतारा गया, या लोकल उम्मीदवार भी अगर उतार जाते तो भी जाट वोट बैंक जो ऐसे खुश होता, इसी कारण थोड़ा नाराजगी देखने को मिल रही, जिसका फायदा भव्य बिश्नोई को मिल रहा है। यानी बैठे बिठाए कांग्रेस ने भव्य बिश्नोई को सीट दे दी, एक ऐसा अंदाज़ा आदमपुर से प्रतीत हो रहा है। यानी ये सीटें हैं जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। एक तो सबसे बड़ी गलती आदमपुर सीट पर बाहरी उम्मीदवार उतारा गया, और बरवाला सीट से भाजपा ने बाहरी उम्मीदवार उतार दिया, नलवा के अंदर कमज़ोर कैंडिडेट भाजपा ने उतार दिया, और हिसार के अंदर कमल गुप्ता भाजपा को कमज़ोर कैंडिडेट उतार दिया गया। उगलाना में सही टिकट का वितरण हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने नरेश सिलवाल को दिए, और वहाँ पर भाजपा ने सबसे बड़ी गलती कर दी, अनूप धानक यानी भगोड़े कैंडिडेट जीजीपी छोड़कर भाजपा में शामिल है, उसको टिकट देकर यानी बैठे बैठाई कांग्रेस को दे दी गई। उधर नारनौंद के अंदर थोड़ा बहुत मुकाबला देखा जा सकता है, कैप्टन अभिमन्यु और जेसी पेटवाड़ में दोनों ही बराबर के कैंडिडेट हैं, दोनों के बीच मुकाबला कड़ा होगा, वहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने सही उम्मीदवार को टिकट दिया है। अब ये थी कुछ सीटें जो मैंने आपको बताई, आपको क्या लगता है आप अपने विचार कमेंट जरूर करें, बने रहिएगा HPN24 न्यूज़ के साथ, लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।